Hi guys, welcome back. So, बस ढूंढने से तो साक्षात भगवान मिल जाते हैं, तो फिर कलेक्शन क्या चीज है? वीर सावरकर का डे नंबर 21 का कलेक्शन, जिसका हमको इंतजार था. फाइनली एक जगह से मुझे वो मिल तो जरूर गया है, लेकिन कितनी ऑथेंटिसिटी है उसमें वो मैं नहीं कह सकती हूँ. बस इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि नंबर क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है, प्लस मेरी प्रिडिक्शन क्या कहती है, या फिर जो ट्रेंड चल रहे थे वीर सावरकर के उसके हिसाब से कलेक्शन कितनी हुई होगी वो मैं आपको बता देती हूँ. डे नंबर 21 की फाइनल कलेक्शन कितनी थी. तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा का पूरा देखना, और साथ साथ में हम इसी तरीके से बने रहेंगे. वीर सावरकर करके सारे रिपोर्ट्स आपसे मैं शेयर करती रहूंगी, क्योंकि रणदीप हुड्डा कुछ कुछ अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते रहते हैं डेली बेसिस पर, तो मुझे लगता है हमारे को वहां से भी कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाएगा. प्लस बुक माई शो तो है ही, जहां से हमारे को दिख जाएगा कि ऑलरेडी फिल्म कितने शो काउंट्स उठा रही है, कितने हाउसफुल्स देख रही है, वो सब मैं आपको बताती रहूंगी. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि कल के दिन का नंबर जरूर इंपैक्ट करेगा, क्योंकि कल दो बड़ी रिलीजेस थी, इसके चलते इंपैक्ट तो किया है. लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि फिल्म के शो काउंट्स पर ज्यादा फर्क पड़ता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा. मुंबई में जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी नजर आ रहे हैं, पुणे में भी नंबर मेरे ख्याल से वैसा ही होगा जैसा पहले था. अगर 128, 125 शो काउंट्स थे, उसी के आसपास के शो काउंट्स अभी भी नजर आ रहे होंगे. साथ साथ में अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पे आज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो कल के जो नंबर की बात थी, कल अगर थोड़ा कम था, मुझे लगता है अब आज से एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू होगा वीर सावरकर का. आज दिन नंबर 22 है, तो आज के दिन पे मुझे लगता है एक अपवर्ड ट्रेंड हम लोग देखेंगे. साथ साथ में हो भी सकता है ऐसा कि जो प्रिडिक्शन मैं आपसे करूंगी आज, उससे अबव का नंबर चला जाए. प्लस मैं एक पोस्टर एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेकर्स की तरफ से, जिसमें हमारे पास वर्ल्ड वाइड का फाइनल नंबर हो कि इस वक्त पे क्या कुछ चल रहा है. ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं क्या डेटा दिखाई दे रहा है, क्या नंबर्स आ रहे हैं डे नंबर 21 का, अभी तक यहां पर जो नोटेड आ रहा है दैट इज 15 लाख. मुझे नहीं लगता इतना कम नंबर होगा, क्योंकि 15 लाख तो मुझे तभी हमने डे नंबर 19 की जब अगर हम बात करते हैं, डे नंबर 19 20 की अगर हम बात करते हैं, इन्हीं दिनों पे काफी अच्छी कलेक्शन हो गई थी, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कम हुआ होगा. मेरे हिसाब से कल के दिन का जो नंबर है वो करीब करीब 20 लाख के आसपास तक आया होगा, और अगर वो आया होगा तो इसका मतलब ये है कि 22 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन पहुंच गई होगी. इसी के साथ साथ अगर हम एक बार बुक माई शो पर नजर मार देते हैं कि क्या चल रहा है, तो जैसे आपको मैं बता ही रही हूँ कि मुंबई शहर में देखेंगे हम लोग जब भी वीर सावरकर का कलेक्शन देखेंगे, दिल्ली एनसीआर में मेन हमारे को नजर नहीं आता. 107 सिनेमा घर हैं ऐसे, नहीं ये वीर सावरकर का मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ. यहाँ पर 6.82 टिकट्स बुक हुई हैं पिछले 24 घंटे में, यानी कि आज कल से कम कलेक्शन आएगी. आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 लाख की कलेक्शन के आसपास आएगी वीर सावरकर की. लेकिन अगर मुझे यहाँ पर शो काउंट्स देखने हैं, क्या उसमें कोई तब्दीली कोई फर्क तो नहीं है? नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं है. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे शो काउंट्स अच्छे खासे हैं यार, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही कम हो गए हो या इसलिए रिपोर्ट्स नहीं आ रही है, लेकिन शो काउंट्स ठीक ठाक है. अभी अगर मैं बात करूं क्या मुझे कोई फीलिंग फास्ट नजर आ रहा है, आज हो सकता है ना भी आए, क्योंकि आज फ्राइडे है, कहीं कहीं पर वर्किंग डे है, तो हो सकता है हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लेके चलेंगे. लेकिन कल और परसों सैटरडे संडे आएगा गारंटीड छुट्टी वाले दिन, उन दिनों पर हम एक जंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीर सावरकर का. सो फार इट इज गोइंग स्ट्रांग इन महाराष्ट्र, इट इज गोइंग स्ट्रांग इन सिटीज लाइक मुंबई एंड पुणे, और इसके अलावा कहां कहां से क्या कलेक्शन करती रहेगी, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ डेटा मेकर्स के पास तो आ जरूर रहा होगा. बस मुझे इंतजार है कि हम एक पोस्टर जरूर देखें जिसमें हम कुछ ना कुछ कलेक्शन के बारे में देखें. ये भी यहां से मुझे ऐसा भी लगता है कि जो फिल्में जिनका कलेक्शन आना बंद हो जाता है एक समय के बाद, वैसे होना नहीं चाहिए, ये प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए कि फिल्में जब तक लगी हुई हैं तब तक उनका डेटा आना जरूर चाहिए. ठीक है, पहली चीज ये. दूसरी चीज ये कि अगर आना बंद हो जाता है तो मेकर्स को अपने सोशल मीडिया के थ्रू ऑडियंस को बताते रहना चाहिए, सिर्फ एक छोटे से ट्वीट में ही, कि भाई इतना नंबर आ चुका है, ये नंबर रहा है, क्योंकि ऑडियंस इन चीजों से ही कनेक्ट करती है, तभी आगे चल के सपोर्ट मिलता है. और इसी तरीके के प्रमोशनल, ये भी एक प्रमोशनल एक्टिविटी है मेरे हिसाब से. मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा मौका है जहां पर ऑडियंस से सीधा डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकता है. आई फील दैट वो होना चाहिए एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट. अगर रणदीप हुड्डा सर ये वीडियो देख रहे हैं, आई रियली होप, बट अगर वो देख रहे हैं तो उनके पास एक आइडिया लग जाना चाहिए कि उनको डेली जब तक फिल्म चल रही है तब तक कलेक्शन का एक छोटा सा ट्वीट हमारे पास आए, ताकि हम उसको देखें, पढ़े और अवेयरनेस फैलाएं उसके ऊपर. आपको क्या कुछ लगता है इस पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फंक्शन.